नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत बता रहा था नतीजे आने के बाद, वो ये कह रहा था कि इस बार सत्ता भले ना मिली हो लेकिन जनता ने उन्हें इतनी सीटें दे दी हैं कि वो सरकार की नाक में दम कर देंगे। दरअसल उस विपक्ष में अब जो दरारें हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं और उन दरारों से झांकते हुए नेताओं का ये कहना है कि कोई हमारे साथ नहीं है और कोई ये कह रहा है कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। ओम प्रकाश राजभर जो कि विपक्ष में गठबंधन के मजबूत नेताओं में शामिल थे, आज ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साबित कर दिया और ये बोल दिया कि मैं अपना राष्ट्रपति का जो वोट है, अपने विधायकों का जो राष्ट्रपति का वोट है, वो एनडीए की उम्मीदवार को दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका फैसला अखिलेश यादव को लेना था कि मैं अपना वोट या अपने विधायकों का वोट किस पाले में गिराऊं। अखिलेश यादव कहते तो हम जसवंत सिन्हा के खाते में वोट कर देते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी अखिलेश यादव ने ना हमें बुलाया, बुलाने के बाद भी मना कर दिया और उसके बाद भी ये नहीं बताया कि हमें वोट कहाँ करना है। हम इंतजार करते रहे लेकिन अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया कि हमें कहाँ पर वोट करना है। अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास मैसेज आया था, पार्टी के नेताओं से कहा गया था कि आप लोगों को बैठक में आना है, लेकिन उस बैठक में पहुंचने से पहले ही एक बार फिर से एक नया मैसेज आता है और उस मैसेज में ये कहा जाता है कि आप लोगों की जो बैठक होने वाली थी वो स्थगित कर दी। लेकिन पार्टी के सूत्र मतलब ओम प्रकाश राजभर का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी में कुछ उनके अपने जो नेता हैं, कुछ उनके जो सूत्र हैं, उनका ये कहना था कि ये बैठक होगी लेकिन उस बैठक में आपको नहीं बुलाया गया और कुछ ऐसा हुआ भी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जसवंत सिन्हा आए हुए थे, अखिलेश यादव मौजूद थे, जयंत चौधरी मौजूद थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को भी उस बैठक में पहले बुलाया गया था और बाद में उन्हें मना कर दिया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से जब ओम प्रकाश से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे या मेरी पार्टी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं, और उसके बाद से ही ये सवाल खड़े हो गए कि ओम प्रकाश राजभर अब किधर जाएंगे। फिलहाल आज ओम प्रकाश राजभर ने ये कह दिया कि अखिलेश यादव अपने नवरत्नों से घिरे हुए हैं, अखिलेश यादव हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस बैठक में उन्होंने हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम पिछड़े हैं। इस तरह की बात जो है वो ओम प्रकाश राजभर ने कही है। इन्हीं सबके बीच एक और अहम मुद्दा उठकर आया था कि ओम प्रकाश राजभर के पास जो गाड़ी है उस गाड़ी को लेकर के भी काफी सवाल खड़े हो रहे थे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को चलने के लिए फॉर्चुनर दी गई है, फॉर्चुनर गाड़ी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम फॉर्चुनर से चल ही नहीं सकते क्योंकि उससे पीठ टूट जाएगी, हमारे पास अपनी इनोवा है, दो इनोवा है, हम उसी से चलते हैं, हमें किसी की गाड़ी की जरूरत नहीं है। इन सारी नाराजगी, इन सारे सवालों के बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो गठबंधन में अभी हैं या नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप गठबंधन में हैं या आपको निकाल दिया गया है या आप निकाले जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई निकाल दे ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं अभी भी गठबंधन का हिस्सा हूं। आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अभी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की ये रणनीति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के है कि हमें कहां पर वोट देना है। तो उत्तर प्रदेश का जो ये मजबूत गठबंधन था इसमें कहीं ना कहीं दरारें आ गई हैं और दरारें भी कई सारे मुद्दों को लेकर के आई हैं, मीटिंग में ना बुलाने को लेकर के आई हैं, सवाल जवाब को लेकर के आई हैं, आजमगढ़ रामपुर की हार को लेकर के आई हैं, नेताओं को तवज्जो ना देने को लेकर के आई हैं, फॉर्चुनर इनोवा को लेकर के आई हैं, एसी को लेकर के आई हैं और डिनर को लेकर आई हैं। इन सबके बीच अब आगे की क्या रणनीति होगी? ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन इसी तरह चलेगा? क्योंकि बीते दिनों एक बयान भी आया था और उस बयान में ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को सिद्ध किया था, ये कहा था कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें हम गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ साबित हो रहा है, या ओम प्रकाश राजभर के बयानों को सुना जाए तो उससे कहीं ना कहीं ये लगभग क्लियर हो रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में लड़ाई जो है वो काफी बड़ी हो गई है, जो दूरियां हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं। और क्या इन दूरियों को पाटने के लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा या ये दूरियां और बढ़ेंगी और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे? इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बयान सुनिए और उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करता हूं। लेकिन इन सबके बीच में हमें इस चीज पर भी ध्यान देना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जो कि राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता था कि यहां से आप राजनीति सीख सकते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में एसी, उसी उत्तर प्रदेश में फॉर्चुनर इनोवा और उसी उत्तर प्रदेश में डिनर के नाम पर राजनीति हो रही है। बयान सुनिए और उसके बाद में इस चर्चा को शुरू करता हूं।
मत बुलाए, हमार पटिया है ना, हमारी पटिया है ना, अपनी पार्टी के मालिक है ना, दूसरे के कैसे करेंगे? हमने कभी किसी के एजेंडे पर काम किया ही नहीं है, हम अपने एजेंडे पर। उनके नवरत्न जानते हैं, गांव में चर्चा करते हैं कि अखिलेश जी के पास नवरत्न लोग रहते हैं, और जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, यही लोग सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं। उसी में से उन्होंने फोन किया था, जो एक नंबर एक के हैं। क्या ना, ये आजमगढ़ चुनाव के संबंध में किसी ने नहीं पूछा, नवरत्न में से एक भी रत्न वहां नहीं दिखाई दिया। नवरत्न में एक भी रत्न आजमगढ़ में दिखाई नहीं दिया, अगर कोई दिखाई दिया तो ओम प्रकाश राजभर। देश में पहला मौका बनने जा रहा है जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, और आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्षी दल अभी भी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ खड़े हैं, वो भी अपना मन बदल करके उनके समर्थन में आएंगे और निर्विरोध एक राष्ट्रपति का चुनाव हो सके, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एनडीए के राज में, मोदी जी के राज में दलितों को, अति पिछड़ों को बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए ये कितने बड़े आदिवासी समर्थक है। लेकिन आदिवासी समाज से आई जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है, जब वो राष्ट्रपति की दावेदार बनी, तब जाके उनके गांव में बिजली आई, जल जंगल जमीन लूट कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कॉरपोरेट मित्रों को बांट दिया, हजारों हजार आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। क्या द्रौपदी मुर्मू जी कुछ बोल पाएंगे? द्रौपदी मुर्मू जी भी अगली रामनाथ कोविंद साबित होंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए। संतोष सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। रजी हसन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कई राजनीतिक दलों की हवा निकाली थी, ओम प्रकाश राजभर जो पिछली बार बीजेपी को उसकी नीतियों से खुश ना होकर के छोड़ करके आपके पास आए थे, अब वो आपकी भी हवा निकाल रहे हैं, क्यों? पहले तो बता दूं आपको कि ओम प्रकाश राजभर जी ने ना तो हम लोगों से, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की या सभी की हवा निकाली थी और आपकी भी निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी अभी हमारे गठबंधन के साथी हैं और आने वाले समय में भी हम लोगों के साथ 2022 के चुनाव में हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे 2024 में। सॉरी, आप लोग ने फॉर्च्यूनर क्यों ले ली वापस? किससे ले ली बताइए? ओम प्रकाश राजभर से। कोई ऐसा बयान आपके पास आया? सारे बयान है उनके, कैसी बात कर रहे हैं? कोई ऐसा बयान आया कि उन्होंने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर वापस कर रहा हूँ? हाँ। या किसी ने कहा कि वो फॉर्च्यूनर मांगी गई है? देखिए ऐसा नहीं है, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा, आप लोग ने फॉर्च्यूनर दी थी कि नहीं दी थी? ये देना और लेना ये तो आपसी मन 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 का खेल है, अपने आपसी प्यार का और सौहार्द का और जो है भाईचारे का मामला है। हम आपको अगर कोई चीज दे दें और कोई चीज आप हमें दे दें, तो ये तो कहीं कुछ कहने की बात नहीं है। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे गठबंधन के साथी हैं, और हम लोगों का जैसे पहले गठबंधन मजबूती से चल रहा था, वैसे इस तरह भी इस बार भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके साथ में। वो कह रहे हैं कि नौ रत्नों से अखिलेश यादव घिरे हुए हैं, वो नौ रत्न ऐसे हैं जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते हैं। देखिए चुनाव में बहुत से लोग अपना बूथ हारते हैं और बहुत से लोग जीतते हैं। मामला ये है कि मेहनत पर होता है कि कौन कैसी मेहनत करता है। अगर मैं इस पैनल में बैठ करके और समझ लीजिए कि मतदान केंद्र है और यहाँ अपनी पार्टी के लिए मजबूती से वोट डलाऊंगा, तो निश्चित रूप से हम अपना बूथ भी जीतेंगे और वो सीट भी जीतेंगे। पर कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं पर सत्ता के दुरुपयोग से, मान लीजिए कि हम जहां पर बूथ पर एजेंट बने हुए हैं, वहां पर पुलिस का इतना मजबूत पहरा सत्ता के धारी के लोग लगा दें और इतनी कड़ी व्यवस्था कर दें कि हमारे वोटरों को या हमारे बूथ एजेंटों को दबाकर
और धमका कर काम करा दें तो निश्चित रूप से हम बूथ हार जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि बूथ हार गए। तो वही मामला है कि हमारे नवरत्न में से अगर कोई भी बूथ हारा तो सत्ता के दुरुपयोग से नहीं, तो जब अखिलेश यादव को फैसला लेना था कि आपको कहां पर वोट देना है कहां पर वोट नहीं देना, ओम प्रकाश राजभर ऐसा कह रहे हैं, तो क्यों उन्होंने फैसला नहीं लिया भाई, क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? देखिए अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के अभी बहुत समय है, थोड़ा सा समय बाकी है, ऐसा तो नहीं मतदान हो गया और आपको लग रहा है भी फिर हम बुला लेंगे उनको? नहीं नहीं, बुला क्यों लेंगे, वो हमारे हैं। हम उन्हें बुलाया तो उन्हें जाता जो बाहर के लोग होते हैं, वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, हमारे साथी हैं, मजबूत हमारे साथी हैं, तो हम उनको बुलाएंगे क्यों? वो हमारे गठबंधन के साथी, हम उनके गठबंधन के साथी, कहीं कोई अलग नहीं है। ये तो भूल में ना रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गठबंधन के साथी, भारतीय जनता पार्टी को क्यों कह रहे भाई? देखिए एक कहीं ना कहीं आग लगाई, दूसरे घर के आग लगाकर तमाशा देखने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आसानी से कर लेते हैं। मतलब उन्होंने आग लगाई थी और उस आग में ओम प्रकाश राजभर शामिल हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ आग लगाने का किया मगर प्रयास सफल असफल रहा, ब्रेन वॉश कर दिया। हमने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की मगर हमारे गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर जी इतने मजबूत दिमाग के हैं कि उन्होंने पहले ही साबित, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दी कि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन थे और गठबंधन में भी आगे रहेंगे। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि अभी और कुछ बाकी है और हम बुला लेंगे, चलिए ठीक है। दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपस हैं। भार्गव साहब, ये रजी हसन कह रहे हैं कि अभी समय बाकी है वोटिंग वोटिंग में, आज तो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम कोशिश करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मैसेज पहुंचा होगा, हो सकता है कि बातचीत होकर के आपकी बार फिर बुला लिया जाए, कुछ बचा है क्या, कोई गुंजाइश बची है हमारे गठबंधन के साथ नहीं वोटिंग के लिए? ठीक है, जवाब तो ले लें, जवाब जवाब ले। दयाराम दयाराम जी से पूछ, दयाराम जी से पूछे, नमस्कार दयाराम जी। नितिन भाई जी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया जी कि हमने 14 तारीख का डेडलाइन दिया था समाजवादी को जी, नहीं फूल किया। हम तो कह रहे हैं समाजवादी के आज साथ भी हैं और 2024 में चुनाव भी लड़ेंगे, हम तो गठबंधन के साथ ही हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक, वोट इनको देना है हमारे विधायकों को, तो अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं बुला रहे वोट के लिए, या तो हो सकता है भारतीय समाज पार्टी के जो विधायक है उनका वोट जो है समाजवादी को नहीं चाहिए, तो हमारा सवाल ये है गठबंधन टूटना ना टूटना वो नहीं है, हम गठबंधन में हैं और रहेंगे। बार बार इस चीज को कह रहे हैं, हमने गठबंधन कब तोड़ा भाई जी। लेकिन यहाँ सवाल राष्ट्रपति के चुनाव का है, हमारे वोट की हो सकता है उनको नहीं जरूरत है इसलिए नहीं बुलाए, अब आप हमको बुला भी नहीं रहे हैं तो वोट तो हमको नितिन भाई डालना है जी, और जब डालना है तो स्वतंत्र है। अब आज आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया है तो जाहिर सी बात नहीं, तो इतना दुख है, इतनी नाराजगी है। इतना दुख है, इतनी नाराजगी है, उसके बावजूद गठबंधन में रहने का क्या मतलब बनता है? नहीं नहीं, हम हमारी तरफ से कहां नाराजगी है नितिन भाई, आप बताइए। घी डाल रहे हैं नितिन। अरे भाई क्यों घी डाल रहा हूँ भाई, घी डाल रहे नितिन। नहीं, राजभर जी ने भी आज काफी कुछ क्लियर किया है मेरी बातों, वो कह रहे थे कि मेरी बातों का बुरा मान जाते हैं, वहां नवरत्न है उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, काफी चीज बोल रहे थे, मैं था वहां पर। नेताजी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, या तो उनको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं, ये सच्चाई है नितिन भाई, और ये हमारे रजी हसन जी बैठे हैं, रजी हसन जी बैठे हैं, ये भी उन्हीं में से एक सच्चाई है। हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम पार्टी को अच्छे तरह से, हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी की विचारधारा, आरएलडी की विचारधारा, महान दल का, डॉक्टर संजय चौहान का, ये सब विचारधारा तो एक थे, इसीलिए तो हम 2022 में चुनाव में आए थे। ठीक है, अंतोगत्ता है, आज जो बीजेपी सरकार बना गई मुबारक उसको, लेकिन सरकार जो है हम लोग बना रहे थे नितिन भाई जी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां रही है, तो उसका गुड़ा गड़ी जो हुआ है, हम मान लो विधानसभा चुनाव 2022 का हारे, उसके बाद राज्यसभा में हारे, फिर एमएलसी में हारे, उसके बाद उपचुनाव में जाते हैं, उपचुनाव जो हमारी अपनी सीट थी अगर वो हम हार रहे हैं तो चिंता का कारण है नितिन भाई, बिल्कुल। और राजभर जी ने सही बोला, सच्चा सहयोगी वही होता है जो सच्चाई बात रखे, सच्चाई बात रखने से आगे का कारवा पड़ता है, यानी कि हम मजबूती से उस गलती को दोबारा ना हो उसको हम कर सकते हैं, इसलिए राजभर जी ने कहा जी। लेकिन नेताजी ने सही कहा कि जो नौ रत्न है उनमें से एक आकर के, अब ये सुझाव कैसे आ रहा है
वो तो समाजवादी पार्टी बताएगी। ठीक है भाई, इसको हम थोड़ी बता सकते। हाँ ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। संतोष सिंह हमारे साथ बीजेपी से हैं। संतोष जी, रजी हसन कह रहे हैं कि एक आग आप लोगों ने लगाई थी और वो आग का असर थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया है, इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर हमसे थोड़ा सा नाराज हुए हैं, लेकिन हम मना लेंगे उनको। आप इस कदम को कैसे देखते हैं ओम प्रकाश राजभर? पहले तो नितिन जी, मैं तो मुझे लगा कि वो उन्होंने ये सोच करके सही फैसला लिया। उसके पीछे के कारण क्या है नितिन जी, मैं किसी के घर में की और किसी के अंदर की बात नहीं करना चाहूंगा। सीधा सीधा डिबेट है और सीधा सीधा मैं जवाब। हमारे समाजवादी पार्टी ने ये बात कही कि हमने उनके घर में आग लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं अपने समाजवादी भाई से कहना चाहूंगा नीति जी, इन्होंने हमारे विधायक जो शायद वो किस किस कारण से स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, कैसे ओम प्रकाश राजभर चले गए, कैसे अन्य दल जो गठबंधन में हमारे साथ 2017 के चुनाव में थे, 2019 के चुनाव में थे, वो कैसे चले गए मैं जानता नहीं हूँ। तो क्या यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरों के घर में आग लगा करके ऐसा कर दिया वैसा कर दिया? भैया अपना घर बचाओ ना। और सबसे पहले नितिन जी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और मैं आज अपने समाजवादी साथी को भी कहना चाहता हूँ कि समाजवाद बहुत अच्छी चीज है और आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने और शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए विचारों का मतभेद हमारा और आपका हो सकता है, हमारी और आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन जिस संघर्ष के साथ और जिस मेहनत के साथ आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने, शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी को खड़ा किया है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी के कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं रोडों पर, समाजवादी के नेता संघर्ष करते हैं रोडों पर, उनके प्रवक्ता आकर के टीवी पे डिबेट करते हैं। लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज समाजवादी पार्टी की जो दुर्दशा है वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के नाते है, वह अहंकारी पुरुष का नाम है अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने चाचा का कद्र किया नहीं, अपने पिता का कद्र किया नहीं, पार्टी को भरे चौराहे पर ला करके जो तमाशा किया अखिलेश यादव ने, पूरी दुनिया ने देखा है नितिन जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। पहले लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों से मैं सवाल करता हूं कि पहले अपना घर बचा लो, अपनी पार्टी बचा लो, घर और पार्टी बचाने के बाद आइए और आकर के लोकतंत्र की रक्षा की बात करिए। मैं स्वागत करता हूँ प्रकाश राजभर जी के इस फैसले का, उन्होंने हमारे राष्ट्रपति, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन किया, मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है मेरा, ये दो नेता हो चुके हैं, पहले केशव देव मौर्य वाला मामला था, फिर अब ओम प्रकाश राजभर वाला भी, और दोनों ही मामलों में फॉर्च्यूनर का जिक्र बड़ा अच्छा हुआ है, फॉर्च्यूनर क्यों बीच बीच में आ जा रही है, क्या कारण है? देखिए नितिन जी, मैं ये फॉर्च्यूनर इनोवा, किसने किसको क्या दिया, किसने किसको क्या लिया, मैं ये सारी चीजों पे बहस नहीं करना चाहता हूं, मैं उस मुद्दे पे जाना, मेरा सीधा सीधा एक कहना और सवाल है कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है या कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है, जिस पार्टी में ना लीडरशिप है, ना लीडरशिप डेवलप करने की इनके पास कोई क्षमता है, जिन्होंने नेता बनाया ही नहीं, जिन्होंने नेता प्रेजेंट किया ही नहीं, वो लोग क्या बात करेंगे? पहले वो लोग एक लाइन खींचे, एक लाइन बनाए, एक नेताओं की लिस्ट बनाए, पहले लीडरशिप डेवलप करें, तब आकर के। सर ये फॉर्च्यूनर इनोवा लेना देना बहुत हो गया नितिन जी, इन सबसे ऊपर उठ करके राजनीतिक डिबेट हम लोग करें। और इन लोगों से भाई जो हमारे बैठे हुए हैं हमारे समक्ष, उनसे भी निवेदन करूंगा, ये पार्टी में जाइए, पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके विचार विमर्श करिए, तब आइए और बोलिए। ठीक है ओम प्रकाश, ये माफ कीजिए, कुछ बोल रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि अभी भाई साहब ने पूरे समाजवाद की पूरी बात बताई, जिसमें आदरणीय नेता जी, आदरणीय शिवपाल जी के बारे में बताया कि बहुत मेहनत से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और आगे बढ़ाया, और उन्हें ये नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के भतीजे और उन्हीं के गठबंधन के साथ नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी ने भी समाजवादी पार्टी को खून पसीना दे के 2012 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो आप ये आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास करने वाले लोग, विकास करने वाले नेता और उत्तर प्रदेश को विकास की गति पर सबसे ज्यादा ले जाने वाले ऐसे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप उन्हें बताएंगे।
आप उन्हें बताएंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के अनुभव कम हैं और उनको जो है तरीका नहीं पता? नहीं, वो तो कह रहे लीडरशिप कमजोर है ना, लीडरशिप कमजोर नहीं होती तो ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन था, राहुल गांधी से गठबंधन था, सब नाराज हो गए आप लोग। आपके यहाँ लीडरशिप कहाँ बची आप बताइए? जसवंत सिन्हा आज आपके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, आप आज आपके लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ पर हैं, आप आपके मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ पर हैं? आप खुद पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप अपनी लीडरशिप कहां दिखा पा रहे बताइए? आपके पास दो ही नेता, बताइए और तीसरा नेता कहां? ठीक है, जवाब ले ले, जवाब ले ले, जवाब ले जी कहां है? आपके जसवंत सिन्हा जी जवाब ले ले, जवाब ले। आज विपक्ष के उम्मीदवार हैं जसवंत सिन्हा जी, क्यों आपके आपके आपकी पार्टी से निकलकर जवाब ले तैयार होकर आपका सामना करना पड़ रहा बताइए? ठीक, जवाब ले, आपके पास कोई जवाब है? ठीक है, प्लीज, हो गया, हो गया रजी भाई, रजी भाई, अरे हो गया, बात आ गई आपकी, मैं सुन तो लूं। हां संतोष जी बोलिए, फिर उसके बाद पवन जी के पास चलते हैं। रजी भाई मैं आपके भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मैं आपके भाई आपके भावनाओं का सम्मान करता हूँ और मुझे 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 अपनी पार्टी पे और पार्टी के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से जानकारी है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। रही हमारे शीर्ष नेताओं की बात, तो पार्टी में कब किसको कैसी जिम्मेदारी देनी चाहिए हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, उसी को सब लोग अमल करते हैं। और हमारे पास लीडरशिप डेवलप करने की नहीं, हमारे पास ऑलरेडी लीडरशिप की एक बहुत बड़ी फौज पड़ी हुई है और हमारे पास प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर वो क्षमता है कि आपके साथ किसी नेता के साथ बैठ करके रहिए बात कर सकता है, अपनी पार्टी की नीति नीतियों की बात कर सकता है। और रही बात आपको अखिलेश यादव को जो मैंने बोला बात इतनी बुरी लग रही है, तो रजी साहब जरा एक बार समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिएगा। अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज आप विपक्ष के नेता है, लेकिन क्या वो रहैया, क्या वो रवैया और क्या उनका वो सिस्टम, क्या वो जिस कार्य और नीति पे काम कर रहे हैं, क्या वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज एक विपक्ष का नेता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोच रहे हैं? आपने जो वादे किए थे क्या जनता को पूरे किए? आपने लैपटॉप देने का वादा किया था, आज ही पूरा नहीं हुआ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सुन लीजिए पहले, आप बाइक पे अटके रह गए और 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाई। आप लोग अंधविश्वासी लोग थे, नोएडा नहीं जाते थे, यही हमारे मुख्यमंत्री है, दो दो तीन तीन बार नोएडा गए। ऐसा मत कहिए, आप लोग विकास पे चर्चा करिए, आप लोग नेता की बात आप कर रहे हैं, आप बार बार ये आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितना विकास कर दिया भाई, कितनी नौकरियां दे दी आपने, स्वतः विचार करिए, कितना रोजगार फैला दिया आपने, जिस प्रदेश की स्थिति में है, बात ना करें भाई संतोष भाई। ठीक ठीक है राजीव भाई, मेरा कोई आपसे, मैं कार्यकर्ताओं से कोई मतभेद नहीं रखता, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी के लिए लड़ता है, आप भी वही कर रहे हैं, कहीं से कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार जरा अपने नेता के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है मैं आऊंगा ठीक है रजी भाई, ठीक है पवन श्रीवास्तव जी, ठीक है प्लीज, थैंक यू तो रजी है पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। पवन जी, ओम प्रकाश राजभर का ये कदम आप किस नजर से देख रहे हैं, कितना सही है? और दूसरी चीज, अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने आज कई बातें कही, आपने सुना भी होगा, क्या कहना है आपका? नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या शीर्ष नेतृत्व जो भी कहेंगे, एक संगठनात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक एक नब्ज को पकड़ते हैं। अब इसके लिए सपा हो या भार्गव जी हो, सुभाषपा हो, विरोध कर सकते हैं, कहेंगे पत्रकार हैं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन उसकी न्यू को देखिए आप, एक आदिवासी महिला को ला करके देश के सर्वोच्च सीट पे बैठाने का जरिया निकाला, एक बहुत बड़ा संदेश हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में जा रहा है। अगर अखिलेश यादव जी के अंदर कमी नहीं होती, उनकी कमियां बहुत सारी हैं, देखिए अच्छाइयां भी है, कमियां होती है, दोनों में होती है, लेकिन अगर वो गठबंधन चला रहे हैं, अब हमारे यहाँ रजी साहब जी, दयाराम जी दोनों कह रहे हैं गठबंधन है, गठबंधन कैसे है? वहां कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया नहीं जाता है, उनको 5KD पे आमंत्रण मिलता है, भोजन करने चले जाते हैं, वो कहते हैं गए नहीं थे, उनका बेटा कहता है नहीं गए थे, वो कहते हैं गए थे, समझिएगा मेरी बात को। फिर इनको आज गाड़ी की बात आप करते हैं, गाड़ी तो देखिए कोई गिफ्ट किया था, कोई कार्यकर्ता किया था, अखिलेश यादव ने नहीं किया था, अखिलेश यादव के द्वारा किसी कार्यकर्ता ने चलने के लिए गाड़ी उनको गिफ्ट किया था, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, अब अगर किसी को गिफ्ट कर दिया जाए गाड़ी, सुनिएगा, अगर किसी को नोट करिएगा, अब दयाराम जी बताइएगा, आप किसी को अगर गाड़ी गिफ्ट कर दिया जाए, सपोज करिए कि आप मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट कर दीजिए, पवन जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चलते हैं, बहुत चलते हैं, आप बस गाड़ी नहीं, गाड़ी ले लीजिए, जो गिफ्ट कहा जाता है, गिफ्ट देने के बाद में गिफ्ट को लिया जाए,
ये नहीं होना चाहिए, ये छोटी हरकत कहा जाएगा अगर ऐसा हुआ है, समझेगा जो हम लोग की मार्केट में चल रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो ये भी अखिलेश यादव जी की बहुत छोटी हरकत कही जाएगी। ये उनको उस कार्यकर्ता को बुलाना चाहिए, क्यों ऐसा किया आपने, आपने गाड़ी की बात क्यों की, ये होना चाहिए। अगर आज ये दयाराम जी की पार्टी अगर सुभाषपा अगर जनहित में राष्ट्रहित में या दलित के लिए, भाई इनकी इनकी पार्टी दलितों की पार्टी है, दलित के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर उस जात से कोई आ रहा है और उसका सपोर्ट कर रहे हैं ये अच्छी बात है, सबको मिलके करना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन की बात करिए, गठबंधन रहे नहीं क्या, ये फॉर्मेलिटीज है नितिन जी, ये आज टूटेगा कल टूटेगा परसों टूटेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ओम प्रकाश राजभर जी वो कहीं के नहीं, अच्छा हम लोग ने भाजपा भी देखा है, हर जगह देखा है। अब हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर में अच्छाइयां हो, लोगों में बुराइयां हो, यही भारतीय जनता पार्टी, इसी में मंत्री बने थे, क्या क्या कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे महाराज आदित्यनाथ योगी जी के लिए, ये सब जानते हैं, हमसे आपसे छुपी नहीं है, ना हमारे जितने प्रवक्ता महोदय बैठे हैं इनसे छुपी है, समझेगा। अब उसके बाद में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए, फिर क्या क्या बोला उन्होंने, कहां कहां तेल निकाल रहे थे, सबको पता होगा। और अब वो कह रहे नवरत्न से घिरे हुए हैं, तब नहीं तुमको दिखा था कि नवरत्न से, गठबंधन दोनों दोनों हाथों से जब आप बराबर चलते हैं तभी काम चलता है, एक एक इधर भागेंगे एक इधर भागेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। अब उसमें राजभर जी ईमानदार हैं, अखिलेश यादव जी ईमानदार हैं, ये समय बताएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में अखिलेश जी गलती पे गलती करते जा रहे हैं, विपक्ष के नेता बनने के लिए इनके खुद के चाचा शिवपाल जी थे, उनको देना चाहिए, किसी को गठबंधन में देना चाहिए जो भी इनके उचित लगता, सब हथिया लेंगे, सब बन जाएंगे, तो ये नहीं होता, राजनीति नहीं कहलाता है। राजनीति करने के लिए आपको संतोष करना पड़ता है, इसको सीखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, कैसे लोग संतोष कर रहे हैं, अपनी सीट को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए। दयाराम जी क्या कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे वरिष्ठ पत्रकार संतोष भाई जो कह रहे थे, पवन जी गाड़ी गिफ्ट गाड़ी, हाँ पवन श्रीवास्तव जी, पहली बात देखो मेरे भी जानकारी में नहीं है कि क्या किसी ने गिफ्ट किया है, और जिस गाड़ी को दिखा करके मीडिया में चलाई जा रही है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कोई समाजवादी पार्टी का नेता आया था मिलने के लिए, अब उस फोटो को खींच करके अगर मीडिया में चलाई जा रही है नितिन भाई, तो ये मैं इसके बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, बिल्कुल, लेकिन ये सही है। एक बार हमारे फोन भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या किसी को गिफ्ट करके गिफ्ट लिया जाता है, जैसे कि आप महान दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशवदेव मौर्य का, जैसे उन्होंने गठबंधन तोड़ा और सुनने में भी आया कि उनकी गाड़ी सर्विसिंग में गई थी, दो दिन बाद वही सर्विसिंग से गाड़ी उठा ली जाती है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये मीडिया के द्वारा आ रहा है, मैं इसकी भी वर्तना करता हूँ कि कम से कम ये चीजें नहीं होना चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है और इससे हम इनकार नहीं करते हैं, राजनीति हर कोई पर्दे के पीछे नितिन भाई करता है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या अदर जितनी भी पार्टियां बनी हो, सब राजनीति के पीछे काम क्या करते हैं, फ्रंट में क्या करते हैं। बहुत सारी बातें नितिन भाई है कि मीडिया में जो आके बोली जाती है वो कितना अच्छा होता है कितना बुरा होता है ये तो प्रवक्ता ही जान सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मुझे पार्टी की जितनी जानकारी है मैं उतना बोल रहा हूँ, लेकिन गठबंधन धर्म को हम आज भी निभा रहे हैं नितिन भाई जी, हम आज फिर कह रहे हैं कि हम आज भी हैं, 2024 के इनके साथ भी हम चुनाव भी लड़ेंगे। क्या कोई दबाव है, कोई दबाव है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी दयाराम जी आप लोग बने हुए हैं, कि आप लोग रिश्तों को निभाना चाहते हैं, या कोई दबाव है? नहीं 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 नहीं, आप देखिए, आप देखिए, दक्षिण भारत में बीजेपी है, शिवसेना है, जो एनसीपी के साथ है, अंतोगत्ता उन्होंने मुर्मू जी का समर्थन किया कि नहीं किया नितिन भाई, और हमारी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, समाजवादी स्वतंत्र पार्टी है, हमारे वोट का इनको दरकिनार किया गया, हमारा वोट हो सकता है इनको नहीं अच्छा लगा, तो हमें वोट देना था, इसलिए जो दलित समाज से आदिवासी समाज से जो आई है उनका हम सम्मान करते, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती, इसलिए कि जो भारतीय समाज पार्टी अति पिछड़ों की, अति दलितों की, अति माइनॉरिटियों की और आदिवासी समाज की जो बात करती है उसको लेकर के इस पे हम बिल्कुल तत्पर है कि हमारे जो 6 विधायक है, आज की जो संभावित जो प्रत्याशी राष्ट्रपति है आदरणीय मुर्मू जी है, उनको हमारे 6 विधायक जो है वोट करेंगे।
ठीक है रजिया सन, आप लोगों को क्यों लगा कि इनके वोट की हमें जरूरत नहीं है? क्या आप लोगों ने अभी से मन बना रखा है कि हाँ हमारा प्रत्याशी हारा ही हुआ है, क्या करेंगे वोट दे करके कहीं और दे ले अच्छा जो जीत रहा हो? ऐसा किसी भी हमारे पार्टी के प्रवक्ता या हमारे नेता या हमारे वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया जिन्होंने ऐसा कहा हो कि हमें वोट की जरूरत नहीं। ये तो सोच की बात नहीं, तो बुलाया नहीं तो इसका मतलब यही हुआ ना। देखिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब कह रहे हैं हम 14 तारीख तक इंतजार करते रह गए। नहीं नहीं 14 तारीख तक इंतजार कर देगा, आपने अभी पहले बताया कि मैसेज गया उनके पास और फिर मैसेज दोबारा का गया तो किसी कारणवश मीटिंग पोस्टपोन हुई होगी। अरे उस दिन मीटिंग हुई थी, ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे थे इस बात को। आपको तो पता है ना आदरणीय स्वर्गीय साधना जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उस समय की बात नहीं है जब जयंत चौधरी आए हुए थे उस वक्त की बात है। और उसके बाद में और ये भी कहा गया था कि भाई बैठ के बात हो जाएगी और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय नेता जी से मिले हैं और इस पर भी बहुत ढेर सारी चर्चा हुई। ये कोई कह नहीं सकता कि नेता जी से नहीं मिले, बड़े बड़े अखबारों में भी तस्वीर आई और मीडिया के माध्यम से आई, सोशल मीडिया के माध्यम से आई। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरा विश्वास दिलाया कि विपक्ष के उम्मीदवार को वो अपने 6 विधायक का वोट देंगे। आप बातें घुमा रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसा देखिए कहीं ना कहीं आप समझ नहीं रहे, इसमें बहुत बड़ा दबाव। अब आप बता दीजिए किसके ऊपर दबाव है? देखिए बातें घुमाने के ऊपर दबाव है, आप समझ नहीं रहे कि इसको अब आप कैसे घुमा रहे हैं कि आप हमें नहीं, मैं आपसे मीटिंग को लेकर के पूछ रहा हूँ। आप साधना जी की तबीयत बताने लग रहे हैं, आप अखिलेश जी और माफ कीजिएगा ये आप ओम प्रकाश राजभर और मुलायम जी की मुलाकात को लेकर के बताने लग रहे हैं। हमारे नेता हमारे संरक्षक हैं, आप अभी बता रहे हैं हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे सब पास कोई नेता नहीं है। तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में और देश में एक नेता आदरणीय मुलायम सिंह, अखिलेश जी ने क्यों नहीं बुलाया भाई? आप ये दयाराम जी को बता दो, आप दयाराम जी को बता दो क्यों अखिलेश जी ने क्यों नहीं बुलाया ओम प्रकाश राजभर? प्रकाश राजभर जी आदरणीय नेता जी से अभी मिल चुके हैं हमारे। अरे अखिलेश जी ने क्यों नहीं बुलाया मुझे ये बता दो। नेता जी से मिले या अखिलेश जी से, बात एक ही है। एक ही कैसे हो गए? अरे कैसे नहीं, हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व रक्षा मंत्री हैं और सारे निर्णय तो उन्हीं के आदेश के हम लोग लेते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की अंदरूनी बात ओम प्रकाश जी से हो चुकी है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग विपक्ष के प्रत्याशी को जिता कर लाएंगे। और जो है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम कहीं और वोट देने जा रहे हैं तो आप कैसे कह रहे हो कि वो हमारे साथ आ जाएंगे? वोट दिया तो नहीं, वोट दे दिया, मतदान हो गया, आप बता दीजिए। देखिए राजनीति में कब कौन कहां किस करवट बैठे ये पता नहीं, कहता क्या है कोई करता क्या है। ये तो अभी पता चला ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी कह दिया ठीक है इनको खुश करने के लिए, इसलिए कि ईडी ना लगा दे। आजम खान साहब के पीछे पहले भी ईडी सीबीआई लगा दी ठीक, और भाई अभी जांच करवा दे, किसी भी छूटे भी मुकदमे में फंसा कर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जमीन के नेता उनके पास क्या है जो ईडी की जांच होगी? नहीं 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 ऐसा कुछ भी मुकदमा, जब आदरणीय आजम खान से साहब के ऊपर मुर्गी चोरी का, किताब चोरी का, भैंस चोरी का ऐसे इल्जाम लगाकर 27 महीने जेल में रखा जा सकता है तो हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीन के नेता, जमीनी दलितों के नेता, आदिवासियों के नेता, गरीबों के नेता हैं, उनको भी और देख रहे हैं कि बहुत गठबंधन मजबूती से चल रहा है तो कहीं ना कहीं गठबंधन को कमजोर कर। तो जब वो सलाह देते तो आप लोगों को बुरा क्यों लगता है? ईडी और सीबीआई का सामना नहीं तो जब वो सलाह बताइए आप ये बात बता दीजिए कि अभी जैसे कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने ठीक, ये भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी कार्ड छेला कि 2024 में जो आने वाला चुनाव है क्यों आपने रामबाब कोविंद जी को क्यों नहीं बनाया दोबारा बता दीजिए आप क्यों नहीं बनाया उनको? आदिवासी ही क्यों प्रत्याशी मिला आपको? क्योंकि 2024 में आपको आदिवासी भाइयों का वोट लेना है, इस वजह से आपने उनको आदिवासियों को आदिवासी प्रत्याशी बना दिया। रामनाथ कोविंद जी में क्या कमी थी बताइए, आपके मुरली मनोहर जोशी जी में क्या कमी है, आपके प्लीज हो गया क्या कमी बता दीजिए? हो गया प्लीज हो गया। हाँ दयाराम भार्गव जी ये रजी हसन कौन कौन सी बातें करने लग जा रहे हैं, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत जाइए, हम फिर मना लेंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे उनकी मुलाकात। ईडी और सीबीआई हाँ ठीक जवाब दे, 27 महीने हो सकता है आजम खान साहब को जब मुर्गी चोरी के इल्जाम ठीक जवाब दे, चोरी के इल्जाम में, किताब चोरी के इल्जाम में और फर्जी मुकदमे लगाकर बंद किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिखाओ कुछ और करो कुछ और। मैं जवाब यही जवाब आ रहा हूं संतोष जी आ रहा हूं। हां दयाराम जी जी जब सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और आप जानते हैं कि राजभर जी जो बात बोलते हैं उसको करते हैं, ये छह वोट जो है हमारा
वो आदरणीय मुर्मू जी को जाएगा, इसमें कोई अब शक की सवाल नहीं रहेगा। क्योंकि 18 तारीख की वोटिंग है, आज 15 तारीख है, आप बताइए इसमें क्या फेर बदल होगा। ये कह रहे हैं कि हम अभी बुला लेंगे, समझा लेंगे, आखिरी समय में सब कुछ बदल जाता है। नहीं हो सकता है, मैंने कहा ना राजनीति संभावनाओं का खेल, मैंने कब मना किया? मैंने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह है। लेकिन आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने जो निर्णय लिया वो मान्य है, वो अपने सभी विधायकों से, हम लोगों से सबसे सलाह लेकर के इस बात को रखा गया है कि हमारी पार्टी दबे कुचले असहाय वंचितों की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी है, हम पिछड़ों की पार्टी है, हम गरीबों की बात उठाते, चाहे सड़क हो, सदन हो, हम हर जगह इनकी बात को उठाते रहते हैं। तो इसलिए सत्य है कि नेताजी ने जो कहा वो सही है, और बाकी अब रजी हसन जी जाने, मैं वो तो समाजवादी से है, वही बता सकते हैं ना, मैं वहां तो कुछ नहीं बोल सकता ना। जी ठीक है, संतोष जी क्या कह रहे थे? अभी रजी भाई बोल रहे थे कि रामनाथ कोविंद जी में क्या गड़बड़ी थी, उनको नहीं बनाया क्योंकि 2024 के संतोष जी का। हाँ जी बोलिए। रामनाथ कोविंद जी बनाया ने कहा अनुसूचित का वोट लेना है इसलिए बना दिए। अब्दुल कलाम साहब को बनाए तो आपने कहा मुसलमानों का वोट लेना इसलिए बना दिए। आदिवासी को बनाए तो आप बोल रहे हो आदिवासी को बनाया इसलिए वोट लेना है। सारी चीजें, सारा केंद्र बिंदु आपको वोट और आप तो सारी जातियों को राजनीति के लिए यूज करते हैं ना। राजनीति से ऊपर तो सारी जातियों को राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं, सारे जातियों को आप लाते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसके बाद उसका उसके वोट का लाभ है खाली आपको। रूप से आपको आपके चैनल पे रख दिया पवन जी की जितनी बातें लाइन बाय लाइन, वो किसी राजनीतिक दल से या किसी दल के से बैठे नहीं है, वो किसी दल का तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अपनी अपनी पत्रकारिता के क्षमता से, अपनी राजनीतिक जानकारी की क्षमता से उन्होंने कहा है, और अक्षरशः एक एक बात सही है। मैं बार बार कहता हूँ नितिन भाई और रजत हसन जी को नाराज नहीं होना चाहिए इस बात को, अगर मेरे अंदर कोई कमियां है तो स्वीकार करना चाहिए। मैं बार बार इनको कहता हूँ कि रजी हसन साहब, अगर आपको मजबूत विपक्ष बनना है, अगर आपको सत्ता में वापस आना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मुद्दा लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा, और आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए। और नितिन जी मैं हसन साहब से पूछूंगा, 5 बड़े नेता का नाम बता दीजिए जिनके चेहरे पे, जिनके नाम पे 5 लोग भी आकर के उनको देखने और सुनने के लिए चले आए। आज के डेट में 5 लीडर इनके पास नहीं। हमारे पास ओम प्रकाश राजभर जी थे, ओम प्रकाश राजभर जी दलित के पिछड़ों का राजनीति करते हैं, उनके पास चेहरा था, उनके लिए प्रचार किया, आजमगढ़ में दिन रात एक कर दिया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया, गली गली घूम करके वोट मांगा उन्होंने समाजवादी पार्टी का, और बिल्कुल उन्होंने सही किया। जब कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है, कोई नेता मेहनत करता है और दूसरी गठबंधन की तरफ से कोई उसको मदद और सहायता नहीं मिलती, तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई बयान और कोई ना कोई बात उनकी जुबान, गलत नहीं कहा उन्होंने, ऐसी कमरे में बैठ करके चुनाव नहीं होता है। अखिलेश यादव ने जिस अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया और जिस अहंकार से उन्होंने बोला कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, अभी बहुत संयम रखा है ओम प्रकाश राजभर जी ने, बहुत संयम रख करके उन्होंने जवाब दिया और इंतजार किया है। मैं फिर से एक बार इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ नितिन जी, आने वाले समय में बसपा और कांग्रेस से भी पूरा हाल समाजवादी पार्टी का होना तय है, और ये क्यों होगा, वक्त बताएगा भाई, क्यों होगा, ऐसे छल के साथ राजनीति करेंगे, सीबीआई के साथ राजनीति करेंगे, ईडी के साथ राजनीति करेंगे, और दबाने की राजनीति करेंगे, बेरोजगारी की राजनीति करेंगे, अत्याचारी की राजनीति करेंगे, तब तो ऐसे ही हाल हो जाएगा पूरे देश की जनता का। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी श्रीलंका बनाने को, पूरे भारतवर्ष को, जिन्होंने परिवार के साथ साथ पार्टी को भी समाप्त कर दिया, और मैं समाजवादी समाप्ति के तरफ जा रही है। अगर अखिलेश यादव की जगह समाजवादी पार्टी में कोई श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं नहीं बैठेगा, तो हमारी पार्टी की आप चिंता मत करें, आप हमारी पार्टी की चिंता संतोष भाई मत करें, हमारे यहाँ नेता है चिंता करने के लिए, आप देश की चिंता करिए, जिसका वोट पाकर आप देश की कुर्सी पे बैठे हैं, श्रीलंका की ओर मत ले जाइए देश को, बेरोजगारी की ओर मत ले जाइए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है, सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं आप रखिए रवि हसन साहब, देश की जनता को मालूम है, देश की जनता को मालूम है, बहका दिया आपने जनता को, पता है, साफ साफ पता है, जनता उब रही है, जान रही है, तो कौन किसके रोड पे आना बाकी जनता का बस आपके खिलाफ, देश की जनता को अच्छे से मालूम है कि भारत के सरकार, भारत भारत
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के और 2022 में क्या बदलाव आए हैं? अरे बड़े बदलाव आए हैं, बहुत रोजगार मिला, 2 करोड़ नौकरियां मिली हर साल, 15 लाख रुपए आपने दे दिए, महंगाई आपने कम कर दी, बेरोजगारी आपने कम कर दी, नौकरियां आपने बहुत सारी दे दी। कितने बेरोजगारी और नौकरियां दी है उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान रही है। आने वाले चुनाव 2024 में आपको बताएंगे और देश की जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, वक्त आएगा तो हम बताएंगे, हमारे ऊपर देश की जनता को भरोसा है। हाँ ठीक है, 24 दूर नहीं है, 24 दूर नहीं है, 24 दूर नहीं है, 24 कैसे लड़ेंगे आप? आपके अपने साथी अगर आप उनको मना के नहीं रख पा रहे हैं, साथी सब हमारे साथ हैं, हमारा गठबंधन मजबूत है। 2024 में आदरणीय मोदी जी की सरकार को रोकने का काम हम लोग करेंगे और विपक्ष का एक मजबूत नेता तैयार के देश की उत्तर देश की कुर्सी पे बैठा लेंगे हम लोग। एजेंडा कोई नहीं है, रोड मैप कोई नहीं है, रोकेंगे सरकार को। उत्तर प्रदेश रास्ता है भाई साहब, कोई नहीं है उत्तर प्रदेश रास्ता है, उनके पास एजेंडा कोई नहीं है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाएंगे, कोई तैयारी नहीं है, कुलदीप सिंह सहगल ने रेप दिया है, कहां बोलना है, कब बोलना है, कुछ नहीं, आशीष मिश्रा ने गाड़ी चलाई है, उत्तर प्रदेश में हाथरस के बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, यही सबका जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश से देश का रास्ता जा रहा है। ठीक पवन जी, नितिन जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जनता ने जवाब दे ही दिया, रामपुर से लेकर के आजमगढ़ तक चुनाव में मिल गया, एमएलसी में मिल गया, 2022 का चुनाव में मिल गया, 24 आ रहा उनको भी देख लेंगे, 2024 के चुनाव में आपको सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि जनता ने क्या दिखाया, आपको आईना दिखा दिया। भैया हम तो कहते हैं जनता से, हमारे अंदर कोई कमी हो तो हमको बताओ, हम आपको लेकर के हम जनता से क्या संवाद करके, बेरोजगारी आप बढ़ाएं, कॉन्फिडेंट होकर ये कह रहे हैं और पूरे एकदम पॉजिटिव वे में कह रहे हैं कि 24 का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे और बीजेपी को रोक देंगे, कुछ लग रहा है ऐसा कि 24 तक साथ रहेंगे? हमने कहा नितिन भाई, हमारा ये जो निर्णय है राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग का है उसका निर्णय है, और हम आज भी कह रहे हैं समाजवादी के साथ आज भी है और रहेंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन ये तय करने का काम समाजवादी पार्टी का है कि वो रखते हैं कि नहीं, हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं, हम गठबंधन धर्म में हैं और रहेंगे, लेकिन समाजवादी, लेकिन ऐसे रवैया रहा तो कैसे रहेंगे, ऐसे रवैया रहा तो कैसे रहेंगे, हमेशा रहेंगे हम लोग साथ। हमने कहा ना हम अपनी पार्टी के स्वतंत्र हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव का रवैया अगर ऐसे रहा, समाजवादी पार्टी संबंध निभाना जानती है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। समाजवादी पार्टी को यह डर है कहीं, समाजवादी पार्टी को यह डर है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर ही हमारा विकल्प न बन जाए, उनको ओम प्रकाश राजभर से डर है। हमारे गठबंधन के साथ में समाजवादी का पार्टी का विकल्प तो मैं तैयार हूँ ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में, ये डर है। सुन लीजिए संतोष जी, अगर ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी का विकल्प बनते हैं तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। तो क्यों नहीं आप लोग ने बुलाया, नेताजी से पूछ लीजिए, अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा, अखिलेश जी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश जी है, अखिलेश जी का एक एक बूथ कार्यकर्ता अखिलेश जी है, और कोई भी फैसला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्यकर्ता के बिना नहीं लेते। दयाराम जी सही कह रहे हैं ये? नहीं देखिए, ये बात तो सही है, इन्होंने थोड़ा सा भाई शीर्ष नेतृत्व में अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है नितिन भाई जी कि उनके इर्द गिर्द 9 रत्न है, उन 9 रत्नों में से एक रत्न जो है आकर के क्षेत्र की जो समस्या है हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी को ना बताई जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सच्चा सिपाही सच्चा सेवक वही होता है कि जो बूथ से लेकर के बूथ को जिताने का जो काम होता है उसको लेकर के कितनी वोट प्रतिशत हम डलवा देंगे, कौन कितना अच्छा है वो जाके बयां कर दे, वो सबसे बड़ा नेता और कार्यकर्ता होता है। लेकिन यहाँ तो घूम करके उनको लोग जो बूथ ही नहीं जिता सकते वही लोग गुमराह कर रहे हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ अपने रवि हसन भाई से, कैप्चर करने वाले लोग जो समझिए और जा करके ये मंथन करके बताओ कि ये जो जिस तरह के गुमराह किया जा रहा है गुमराह ना हो, हम आज भी आपके साथ हैं, कल भी रहेंगे, हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है, इसलिए हम साथ हैं। 2024 का चुनाव भी आपके साथ लड़ना चाहते हैं, हम गठबंधन में। ठीक है, ठीक पवन जी, नितिन जी, अभी
सुभाषपा के प्रवक्ता महोदय हमारे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, दो बातें हमने सुनी दोनों लोगों की, उस पर एक लाइन हम कहना चाहेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, भाई साहब ने अभी सुभाषपा ने प्रवक्ता महोदय ने दयाराम जी ने कहा कि गठबंधन धर्म हम निभा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा की गठबंधन है। समाजवादी पार्टी अलग वोट दे रही है, सुभाषपा अलग वोट कर रही है। अब ध्यान दीजिएगा, रुकिए सर, ये दोनों लोग अलग अलग वोट कर रहे हैं, गठबंधन धर्म कहां से है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 2024 की चुनाव लड़ना चाह रहे हैं दोनों साथ में। 2024 ये 30 दिन नहीं चलेगा, सुनिएगा सर। ये नितिन जी रुक जाइए, सभा महोदय सुनिए, ये 30 दिन गठबंधन नहीं चलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 30 दिन नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि शुरुआत हो चुकी है। ये अंदर ही अंदर उमस रहा था चुनाव होने के बाद। चुनाव में ये लग रहा था कि अखिलेश यादव सरकार बना ले जाएंगे, क्या होगा। अहम बहुत तीन शब्दों का शब्द है, लेकिन बड़ा ही घातक होता है, जिसके अंदर आ जाए उसको विनाश कर देता है। एक चीज अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी है, ये 24 तो देख रहे हैं कि 24 फतह करेंगे, हम कैसे फतह करेंगे उस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। एक हमारे अखिलेश जी हैं, एक सीएम, वो ट्विटर करते हैं, ट्विटर गेम नहीं होता है। आप धरातल पे आइए, आप उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, आप उसके लिए कितना दिन आपने धरना प्रदर्शन किया, आपको पब्लिक क्यों चाहेगी, आपने कितने लोगों को रोजगार के लिए आप आए, जितनी घटनाएं होती हैं, आप किस घटना पे आप चौराहे पे खड़े हुए। वही तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसी से निकलना नहीं चाहते तो बुरा। हाँ, तो बस यही चीज है, तो इसलिए दोनों में नहीं जम पा रहा है ना, यही हमने कहा, दोनों में जम नहीं पा रहा है ना, राजभर और अखिलेश में दोनों में नहीं जम पा रहा है, वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। रही मन धागा प्रेम का, समझ रहे हैं ना सर, तो वो जब एक बार हो जाता है अब टूटना ही टूटना है। अब कोई ये कहे कि जबरदस्ती रजी साहब को हम देख रहे हैं जबरदस्ती गठबंधन अपना चला रहे हैं कि हम कल ले आएंगे, परसों 18 वोट पड़ेगा, हम वोट ले लेंगे, कहां से ले लेंगे। राजभर जी हैं, जहां तक हम ओम प्रकाश राजभर को समझते हैं, वो बंदा जो कह देता है वो करता है, जो कहता है, समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे आपसी केवल प्रपंच करने से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी पार्टी से कहिए कि वो धरातल पे आवे, बेरोजगारी पे आवे, महंगाई पे आवे। क्या कर रहे हैं आप लोग, भाजपा इतनी बड़ी इतनी ताकतवर पार्टी नहीं है कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दयाराम जी कुछ कह रहे थे, दयाराम जी क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, हमारे भाई अभी पवन जी जो कह रहे थे, मैंने कहा गठबंधन धर्म हमारा आज भी है और हमारा केवल राष्ट्रपति चुनाव के लिए, हमारी पार्टी का मत जो है 6 वोट है, वो अगर समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिएगा, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो हम वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने राष्ट्रपति चुनाव में आदरणीय मुर्मू जी को समर्थन किया है, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, आदरणीय मुर्मू जी को जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए किए, चूंकि उन्होंने हमें बुलाया, हमसे वोट मांगा। लेकिन आदरणीय जो यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी, वो लखनऊ आए, क्या उन्होंने बुलाया। बात ये है, अगर इस बात को क्लियर कर दिया जाए तो सारी समस्या का हल है। हमारी तरफ से गठबंधन में हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे, बार बार इस चीज को हम कह रहे हैं। और जो हमारे भाई पवन भाई कह रहे हैं 30 दिन नहीं चलेगा, तो ये तो राजनीतिक विश्लेषकों का अपना अपना विश्लेषण है। 2024 से पहले बहुत सारे लोग कहा करते थे कि राजभर जी भाजपा के साथ जाएंगे, गठबंधन बनाएंगे, अंतोगत्ता हम समाजवादी के साथ चुनाव लड़े, इसलिए ये सब छोड़ दीजिए। हाँ, ये मैं मानता हूं राजनीति संभावनाओं का खेल है, उस पे हम वाकई उस बात को नतमस्तक है। हम नहीं, तमाम जितनी पार्टियां, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है, वो कब कहां फैसला लेते हैं, चाहे उस पार्टी का प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उसे मानना अनिवार्य होता है। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने जो निर्णय लिया, वो 6 विधायक उसको बैठ करके चर्चा हुई थी कि नेताजी आप जो निर्णय लोगे हम सबको मान्य है। तो जाहिर सी बात है, आदरणीय मुर्मू जी को 6 वोट जाए। ठीक है, क्या कह रहे थे, खत्म करते हैं। मैं कहना चाह रहा था कि जैसे कि जिस तरह से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, अब आप ठीक कर पवन जी ने भी कहा कि भाई गठबंधन भी है, वोट भी अलग अलग दे रहे हैं, और दयाराम जी ने भी अभी बताया कि अभी ऐलान किया है कि हम राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट
मुर्मू जी को देंगे, अभी दिया तो है नहीं। फिर कह रहे जैसे कि कहा उन्होंने कि राजनीति संभावना का खेल है, तो कहीं ना कहीं अभी इतनी संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई और हमारे विपक्ष को क्या आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे क्या कि आखिरी दिन जाकर मना के ले आएंगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये तो भाई देखिए, नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि अभी समय बचा हुआ है, अभी समय बचा हुआ है। देखिए आदरणीय रोम प्रकाश राजभर जी, हमने फिर आपसे कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हमारे सामने साथी बैठे हैं संतोष भाई, इन लोगों को भाई दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। बहुत होशियारी से देश में और प्रदेश में हम लोगों को अपनी पार्टी को इसी होशियारी में 22 वाला चला गया आपका, ऐसा नहीं ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सुनिए, वरना क्या फायदा भी हमारे घर के सामने बताइए ईडी खड़ी हो जाए, सीबीआई खड़ी हो जाए, पुलिस के दम पर वोट ले लें, सीबीआई के दम पर वोट ले लें, डांट कर दम वोट ले लें, जेल में डालकर वोट ले लें हमारे विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं। आदरणीय रोम प्रकाश राजभर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उसका सम्मान करता हूं, उन्होंने ऐलान किया, इसका भी सम्मान है, बहुत अच्छा किया, मगर वोट कहां देंगे, वोट कहां देंगे, जो है डांट कर के वोट दिया जा रहा है, वीडियो भी इसका ओम प्रकाश का, ये भी हो सकता है, वोट कहां देंगे वो, ये तो विधायक से तय करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी तय करेंगे, संतोष जी और भाजपा का तो यही खेल है भाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराने का काम किया अपनी सरकार, राजभर जी पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं राजभर इतने कमजोर नेता थोड़े ना कि उनको डांट करके उनका वोट ले लेंगे, डांट करके नहीं, दबाव बनाकर सीबीआई, जब आजम खान जैसे लोगों को आप 27 महीने जेल डाल सकते हैं मुर्गी चोरी, तो आपको लगता है कि राजभर जी को डांट के उनका वोट लिया जा सकता है? डांट करके नहीं, दबाव बना करके आप कोई भी दबाव बना सकते हैं, सीबीआई लगा सकते हैं, ईडी लगा सकते हैं, पता चला जो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे जमीनी नेता है, आपको इस जमीन ही का आरोप लगा दे उस पे और अच्छा, जेल में डाल दे, कहीं ना कहीं भाजपा का कोई भरोसा नहीं। जयराम जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सम्मान करता हूं और आपका सम्मान करता हूं, दिखाइए कुछ और करिए कुछ और, हमारा प्रत्याशी जीत कर आएगा, अग्रिम बधाई मैं आपको अभी से दे रहा हूं। संतोष जी, संतोष जी, रजी भाई हमारे आज डिबेट में पता नहीं क्या खा क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अरे हसन जी देखिए आपके नेता इतने कमजोर हो गए, समाजवाद खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी के तो लोग लोहिया की बात करते थे, संघर्षों की बात करते थे, आदित्य आदरणीय नेता कुलवंत सिंह यादव आपके धरती पुत्र गुलाम अपने संघर्षों से पैदा हुई पार्टी को लठैतों की पार्टी कहा जाता था, ईडी से डर गई और आप ईडी से डर गए, सीबीआई से डर गए, छूटकर समाजवादी पार्टी में है संतोष भाई, ये समाजवाद है, कभी छोड़ने वाला समाजवाद आदरणीय, अरे कैसा समाजवाद, कैसा समाजवाद पार्टी की परिभाषा समझा रहे हो हसन भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतने आप लोग डरपोक हो गए कि संघर्ष भूल गए आप सरकार हो तब भी डर जा रहा ईडी से, आप सच्चे हो तब भी डर जा रहा सीबीआई से, मगर जनता के हित के लिए होशियारी कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आप इतनी बदतमीजी की बात करते हो, सही बात है पवन जी ने, बहुत अच्छी बात है, जनता को जिस तरह से आपने बलगला कर, देखिए मैं पक्ष में हूँ, मेरी सरकार है, हम सरकार में होने के नाते हमारी हमारे रोजगार के लिए हमारी महंगाई के लिए हम उत्तरदायित्व है, हमारे ऊपर बनता है, लेकिन किन परिस्थितियों में आज वो डिबेट नहीं है, किन परिस्थितियों में बेरोजगारी की बातें चल रही है, तमाम सारे इशू है, हालांकि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कभी डिबेट होगा तो नितिन भाई मैं जरूर रखूंगा, अभी मैं एक बात जरूर कहूंगा, मुद्दे बहुत सारे हैं, आप हसन भाई हमारी बात तो सुनिए, अच्छी बात बोलूंगा आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए, हसन भाई हमारी बात ठीक है, प्लीज हो गया ठीक है प्लीज हो गया, खत्म करते हैं समय कम है प्लीज, ठीक है समय कम है, आप सभी मेहनत का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है रजे सर, थैंक यू प्लीज, ठीक है थैंक यू, आप सभी मेहनत का बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने, जो कि गठबंधन के साथी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि उनका वोट जो है वो एनडीए की प्रत्याशी को जाएगा। अब देखना ये होगा क्योंकि दो दिन बचे हुए हैं वोटिंग में क्या फैसला कौन लेता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ये जो फैसला है उस फैसले के बाद ये उत्तर प्रदेश का गठबंधन जो विपक्षियों का है ये कितने दिन चलेगा ये भी देखना है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।